नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बीजेपी के भूतपूर्व नेता और शायद भावी नेता परंतु आजकल केवल नेता शत्रुघ्न सिन्हा की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत आपका बधाई। आपको बधाई देना चाहूंगा कि आज आपको बेस्ट एंकर का खिताब मिला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि आप पार्टी से तो बाहर हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में आपको फिल्म मिल गई, एक अच्छी इतनी बड़ी एनटीआर के नाम पर आप एक हीरो बन गए, इतना बड़ा खिताब मिला क्योंकि बहुत कम पॉलिटिशियन है जिन्होंने पॉलिटिशियन का रोल किया हो, क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी तो है ना। जी जी जी, एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना है। वहां नेता बनने चले गए, यहाँ तक बने नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये हमारे पीछे या बहुत दिनों से इनकी ख्वाहिश थी कि मैं एक फिल्म करूं। ये फिल्म एनटीआर पैटर्न पे जैसा आपने कहा है, और ये फिल्म इस फिल्म का नाम है रक्त चरित्र है, और इसका रक्त चरित्र ये हिंदी में भी बन रही है, तेलुगु में भी, तमिल में भी। ये एपिक ऑफ ए फिल्म कहा जा सकता है, एक बहुत बड़ी फिल्म है, और इसका मूड जो है वो गॉडफादर का है, और टोन और स्पिरिट जो है महाभारत का है। पोलिटिकल रियलिटी पे, पोलिटिकली वायलेंट फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है। इनकी कोई फिल्म रामगोपाल वर्मा छोटी मोटी फिल्में बनाती है, और हम तो आपके ऊपर बिना पहना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लड़की शायद है कि नहीं, उसके एक्सपेरिमेंट करने मुझे तो एक बात आती है उनके बारे में बात करूंगा आपसे। अब बीजेपी का जो प्राइस चल रहा है, आपकी तरफ सारे जितने भी आपके नेता विरोध करना है जो आप स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं, आप पद नहीं देना पार्टी में, कोई नेता आप अपनी पार्टी शायद पद के काबिल नहीं समझा गया हो। मुझे ये बात अलग है कि मुझे कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया या मुझे उसके काबिल समझा गया, ये भी एक इतिहास बना कि पहली बार फिल्म इंडस्ट्री का आदमी रिकॉर्ड बना कि फुल फ्लेजर कैबिनेट मिनिस्टर बना, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। लेकिन पार्टी में किसी पद के काबिल नहीं समझा गया। तो पार्टी में कोई नेता है आजकल आपका? कोई जब आपने कहा कि हमारा नेता कौन है, तो मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य की बात है कि बड़े नेता हमारे बड़े नेता हमारे बहुत बड़े नेता दुर्भाग्य की बात है जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक बड़े नेता बीमार है, दूसरे विक्षिप्त हैं, तीसरे विचलित हैं, चौथा जाने की घड़ी में है, पांचवां आने वाला है, नहीं आने वाला है, कौन आने वाला है, उसकी तलाश चल रही है, छठे अरुण शौरी हैं, सातवां यशवंत सिन्हा जी हैं, आठवें का फिर पता नहीं, नौवें नंबर पर मैं हूं, नौ नंबर शत्रु। तो आपका नंबर तो आएगा नहीं कभी? आ सकता है। वैसे काबिल तो खैर हर पद के लायक हूं, अगर मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता हूं तो अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता? शत्रुघ्न सिन्हा अध्यक्ष के लायक भी है। क्यों नहीं है? मैं प्रधानमंत्री के लायक भी हूं। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने देश में, कईयों से मैं ज्यादा नहीं हूं तो कईयों से कम भी नहीं। जितनी बेटी का क्या होगा? लेकिन ये निर्भर करेगा, और खासकर आरएसएस जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, इज्जत करता हूं, मोहन भागवत जी का, और हालांकि मैं आरएसएस से नहीं, इसलिए आप बन नहीं सकते अब ये पता नहीं, लेकिन हाँ मैं आरएसएस से नहीं, लेकिन मैं आरएसएस की कदर बहुत करता हूं, बहुत विद्वान लोग। मैं अपने यहां तक कह रहा हूं कि जो आज पार्टी की हालत हुई है, अंदरूनी हालत जो बिखराव आया है, चाहे लीडरशिप क्राइसिस आई है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि अब घड़ी आ गई है कि आरएसएस को पार्टी को अपने विंग के अंदर ले जाना चाहिए। आप अरुण शौरी से सहमत है कि आरएसएस को टेक ओवर करना चाहिए? अरुण शौरी तो बहुत ही लर्नेड आदमी है, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, और उनकी बात से नहीं सहमत होने का कोई कारण नहीं बनता। यशवंत सिन्हा ने भी यही बात कही, अरुण शौरी ने यही बात कही। अब जसवंत सिंह ने जी जब बात उठाई तो खैर उनकी बात तो जो हुई आपको पता है कैसे। जसवंत सिंह अगर आरएसएस में उससे निकाल नहीं जाते। मुझे इस बात का दुख जरूर है, ये जरूर है कि पार्टी में कई बड़े बड़े नेता जो बहुत काबिल थे और आज भी काबिल साबित हो सकते हैं, जैसे कि राम जेठमलानी, जैसे कि बाबूलाल मरांडी, जैसे कि मदन लाल खुराना, जैसे कि उमा भारती, जैसे कि कल्याण सिंह, इतने बड़े बड़े, जैसे कि जसवंत सिंह, इतने बड़े बड़े कद्दार नेता, इतने बढ़िया लोग जिनकी फॉलोइंग रही, मास अपील रहा और पार्टी के साथ शुरू से उनका नाता रहा, ऐसे लोग जिन कारणों से भी हो, बट जिन कारणों से भी आज हमारे बीच नहीं है, ये दुख का विषय है।